हमारी इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास मारुति कंपनी की इग्निस गाड़ी आई हुई है। फ्रेंड ए आज एक्सीडेंटल होकर आई हुई है, तो हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक्सीडेंटल हुई है, एक्सीडेंटल से क्या क्या इसमें डैमेज हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आगे से डैमेज है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए बम्पर पर मार लगा है। देखिए ये नंबर प्लेट भी टूट गया है, ये बम्पर भी क्रैक हो गया। देखिए तो ये तो बाहर का इफेक्ट है, ये बाहर का बम्पर ही देखिए यहाँ से टुकड़ा टूट के गिर गया है। ये नंबर प्लेट भी टूट गया है, ये तो ये है। इसके अलावा भी अब बम्पर खोल के हम ओपन करके देखते हैं कि अंदर रेडिएटर पे या क्रॉस मेंबर पे या कंडेंसर पे कुछ इफेक्ट हुआ है क्या। क्योंकि फ्रेंड ये क्या हुआ, गाड़ी खड़ा ही था, एक एफ ए टेम्पू वाला है, उसने रिवर्स में लिया तो ध्यान नहीं दिया। रिवर्स में लेते समय उसका पीछे का हिस्सा यहाँ पर लग गया साइड का, और लग के ये देखिए फाड़ दिया है, यहाँ पे एक टुकड़ा हो गया है, ये टुकड़ा भी गिर गया। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो इसका बम्पर ओपन कीजिए। आप देख सकते हैं, देखिए ये कंडेंसर पूरा डैमेज हो चुका है, और इसका जो लाइन आता है वो भी फट चुका है, ये दो लाइन। तो ये कंडेंसर तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, चलेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो कंडेंसर पे भी इफेक्ट हुआ है, ये देखिए जो मेंबर है इस पर भी इफेक्ट हुआ है, इसको भी सीधा करना पड़ेगा, यहाँ पर टच हो चुका है। तो अब हम रेडिएटर का कंडीशन देखते हैं, रेडिएटर कैसा, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट हुआ है तो रेडिएटर पर जरूर इफेक्ट हुआ रहेगा। तो देखिए फ्रेंड, ये रेडिएटर पे भी इफेक्ट हुआ है, क्योंकि इसका जो फैन है वो जाम घूम रहा है, पकड़ पकड़ कर घूम रहा है। ये देखिए अटक अटक के चल रहा है, ये देखिए। तो फ्रेंड हमें इसे पूरा ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके कंडेंसर को बाहर निकाल के इसका रेडिएटर भी मेरे को ऐसे लीक हो गया है। देखिए पूरा कूलेंट गिर गया है, ये देखिए यहाँ कूलेंट। तो इसका रेडिएटर भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रेडिएटर कंडेंसर मेम्बर तो चलिए सीधा हो जाएगा, और बम्पर हम देखते हैं कि हम इसका इंश्योरेंस क्लेम करने वाले हैं। अगर हमारे क्लेम में बम्पर पास कर देता है तो हम इसका बम्पर भी रिप्लेस कर देंगे, नहीं तो उसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसका कंडेंसर भी अपने को बदली करना पड़ेगा, रेडिएटर भी बदली करना पड़ेगा, क्योंकि रेडिएटर का बॉटम जो है नीचे से टूट गया है, टूट के देखिए पूरा कूलेंट गिर गया है। ये भी देख सकते हैं फ्रेंड, ये लाइट भी टूटा हुआ है, देखिए यहाँ से क्रैक हो चुका है। तो इसे भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिप्लेस नहीं करेंगे तो बारिश के टाइम पे यहाँ से पानी जाने की वजह से पूरा अंदर पानी भर जाएगा। तो हमें ये भी हम इंश्योरेंस क्लेम में देखेंगे क्या होता है, क्या नहीं, पास करता है कि रिप्लेस में कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका हम ये भी कूलेंट भी चेक कर लेते हैं, कूलेंट है क्या रेडिएटर में। तो देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी कूलेंट नहीं है, पूरा कूलेंट ड्रेन हो चुका है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये छोटे से एफ ए टेम्पो से लगने के कारण, वो भी फ्रेंड वो ज़्यादा स्पीड में भी नहीं था, 20 या 25 की स्पीड में कुछ रिवर्स ले रहा था वो, और गाड़ी खड़ा था, ध्यान नहीं दिया। इन्होंने अचानक खड़ा करके दुकान में गए, और कार टेम्पो वाला पहले से आगे था, उसने गलती से रिवर्स में लिया, लग गया साइड का कोना उनका कैरियर का जो आता है, और देखिए साइड का लगने वजह से इतना इफेक्ट हो गया। और इसमें एक बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं, अगर समझ लीजिए कभी आपके साथ रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हो, अगर आपने ऐसा किया है, आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट हो, आपका कूलेंट वाटर लीकेज होता हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वो गाड़ी को वहाँ से चलाकर मत लाइएगा, क्योंकि जो गाड़ी के मालिक है इन्होंने कम से कम 8-9 किलोमीटर रनिंग करके हमारे पास यहाँ लाया है। तो देखिए खड़े गाड़ी में इतना कूलेंट गिर चुका है, ये देख सकते हैं खड़े गाड़ी में इतना कूलेंट गिरा है, तो सोचिए कि रनिंग में कितना लीकेज हुआ रहेगा। तो अभी तो फिलहाल हमारे गाड़ी में कूलेंट रुक ही नहीं रहा है, हम डाल रहे हैं तो नीचे से गिर जा रहा है। तो हमें फिलहाल रेडिएटर रिप्लेस करके, कंडेंसर रिप्लेस करके, और फिर चेक करना पड़ेगा कि इसका जो इंजन का हेड गैस्केट आता है उड़ तो नहीं गया है, अगर वो उड़ा रहेगा तो उनको भारी खर्चा पड़ सकता है। तो इसके लिए हमने ये वीडियो सिर्फ आप लोग को जानकारी पहुँचाने तक हमने बनाया है, कि कभी भी आपके साथ ऐसा अगर होता हो तो प्लीज़ गाड़ी को वहाँ से चलाइए मत, वहाँ से टोचन करके, और जहाँ भी आपका लोकल जिससे
गैरेज में आपका कांटेक्ट है उनको पहले कॉल कीजिए कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उनसे राय लीजिए। अगर वो कहते हैं आपको कि नहीं उनका हाई ठीक है कंडीशन में आप ला सकते हैं तो ही आप गाड़ी को हिलाइएगा, नहीं तो आप वहाँ से क्वेश्चन करके जो भी आपका गैरेज रहेगा वहाँ पर लेके जाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये आज का हमारा वीडियो था हमारे कस्टमर तक थोड़ी नॉलेज पहुँचाने के लिए। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।